हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंजलि एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो फाउंडेशन का कंपैरिजन, जो मेरे पास है। एक लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन और दूसरा है ओलिविया लिक्विड फाउंडेशन सेटिन फिनिश। ओके, तो ये दो फाउंडेशन मेरे पास है जिसका मैं आप लोगों के साथ कंपेरिजन करने वाली हूँ और बताऊँगी कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा थोड़ा कम अच्छा है करके। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इन दोनों की शेड की बात करते हैं तो ओलिविया में आपको चार से ज़्यादा शेड मिल जाएगा और लैक्मे में आपको चार ही शेड मिलेगा। तो जब चार से ज़्यादा शेड मिल जाएगा तो आपको अपना स्किन टोन, अपना स्किन कलर पहचाने में ज़्यादा आसानी रहेगा, जिसमें कि इसमें चार शेड है और लैक्मे में तो थोड़ा सा परेशानी होता है अपना शेड पहचानने के लिए। तो अगर मेरे शेड की बात करें तो इसमें है नेचुरल ग्लो 02 नेचुरल ग्लो ओलिविया में, और लैक्मे में मेरा शेड है नेचुरल कोरल। ओके, इससे मेरा शेड है नेचुरल कोलर और इसमें मेरा शेड है 02 नेचुरल ग्रो। तो अगर इनकी पैकेजिंग की बात करते हैं तो पैकेजिंग कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है पैकेजिंग इसकी। ये इसकी पैकेजिंग है और ये कुछ काइंड ऑफ मरून कैफ है, इस तरीके से खुलेगा। और ये इसकी पैकेजिंग है, ये राउंड शेप में है जिसमें प्रोडक्ट आपका इसके अंदर है। ये इसकी पैकेजिंग, इसमें कोई भी पंप या एप्लीकेटर कुछ भी आपको नहीं मिलता। आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट को अपने हैंड पे इस तरीके से निकालना होगा, बैक ऑफ हैंड पे इस तरीके से निकालना होगा। तो ये थोड़ा सा रिस्क की हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम शेक करते हैं और पूरा प्रोडक्ट निकालते हैं तो कभी कभी ज़्यादा भी निकल जाता है। अगर पंप या कोई एप्लीकेटर रहता है तो हम डायरेक्ट अपने हैंड पे निकाल लेते हैं। सेम प्रॉब्लम हमारा इस फाउंडेशन के साथ भी, बट इसमें ये जो मेरा फाउंडेशन, ये छोटा वाला फाउंडेशन, इसमें दो वेरियंट आते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो मेरे पास अभी छोटा वाला अवेलेबल है, बड़ा वाला मेरे पास अभी नहीं। बड़े वाले में कोई भी एप्लीकेटर कुछ भी नहीं है, छोटे वाले में थोड़ा सा काम चालू एप्लीकेटर दिया हुआ है, पर ये काम चलाई से ज़्यादा कुछ होता तो है नहीं, बट हाँ दिया हुआ है, निकालने में थोड़ी सी आसानी रहती है। बड़े वाले में कोई एप्लीकेटर कुछ भी नहीं है। अगर इनकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो लैक्मे का इसमें जो फ्रेग्रेंस है, ओके हाँ, इसमें जो फ्रेग्रेंस, ये जो लैक्मे ब्रांड का उनका सिग्नेचर फ्रेग्रेंस होता है, तो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे कुछ अलग ही फ्रेग्रेंस है, लैक्मे ब्रांड का तो फ्रेग्रेंस ये लगता ही नहीं है, बट ये इसका सिग्नेचर फ्रेग्रेंस है जो कि ओलिविया के अदर प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस होते हैं, सेम वही फ्रेग्रेंस है अगर फ्रेग्रेंस के हिसाब से देखें तो। अगर इनकी क्वांटिटी की बात करें अभी तो इसमें आपको मिल जाता है 27 ml क्वांटिटी और इसमें आपको मिलता है 12 ml क्वांटिटी। और इसका अगर आप बड़ा वाला पैकेजिंग लेते हैं, बड़ा वाला, तो उसमें आपको 27 या 28 ml क्वांटिटी मिल जाती है। और अगर इनकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 140 to 150 रुपीज़ में मिल जाएगा लैक्मे, और ये आपको 50 रुपीज़ में मिलेगा बिकॉज ये मेरा छोटा ग्लास बॉटल है। बट अगर आप इसका बड़ा वाला लेने के लिए जाएंगे तो वो 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आई थिंक ये तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बजट फ्रेंडली हो जाएगी। जो बिगनर हैं, जिनको मेकअप अभी, जिन्होंने मेकअप अभी सीखना शुरू ही किया है, तो वो ज़्यादा किसी महंगे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो उनके लिए ये जो दो फाउंडेशन है, क्योंकि वो ये दोनों फाउंडेशन थोड़े कम प्राइस ही है, तो हम इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अच्छा है भी साथ में, और ब्रांड भी अच्छी है। तो बिगिनर फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, इस हिसाब से तो दोनों फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं। तो अगर इनकी शेल्फ लाइफ की बात करें तो ये लैक्मे चलेगा, आई थिंक इसमें दिया हुआ है 30 मंथ इसकी शेल्फ लाइफ है, और ओलिविया का शेल्फ लाइफ दिया हुआ है 1 ईयर। ओलिविया का शेल्फ लाइफ 1 ईयर है और लैक्मे का शेल्फ लाइफ 30 मंथ है। और साथ ही साथ अगर इनके कवरेज की बात करें तो ओलिविया का कवरेज इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ आया है, मेंशन है, सेटिन फिनिश आपको कवरेज देगा, और इसमें कवरेज की कोई भी बात नहीं की गई है, कवरेज की कोई भी बात नहीं की गई है। लैक्मे वाला फाउंडेशन आई थिंक नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, जो नॉर्मल टू ऑयली स्किन है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर कोई ड्राई स्किन वाला इसे यूज़ कर रहा है तो सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइजर कर ले, उसके बाद ही इसको आप यूज़ करें।
और ये वाला ऑल स्किन टाइप है, चाहे ड्राई स्किन हो चाहे ऑयली स्किन हो, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। इस वाले फाउंडेशन ट्राई करके देखते हैं। मेरे हाफ फेस पे रहेगा लैक्मे और हाफ फेस पे रहेगा ओलिविया। ऑलरेडी मैंने मेरे स्किन को प्रेप कर रखा है। प्रेप करने के लिए सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजर लगाया और उसके बाद मैंने प्राइमर की जगह पे एलोवेरा जेल मैंने यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मुझे लंबे टाइम तक मेकअप करके नहीं रखना है। बस मुझे एक एक इस वीडियो शूट किया है, एक और वीडियो शूट करूँगी, सिर्फ उतने देर के लिए ही मेकअप करना है, तो इसलिए मैंने प्राइमर को यूज़ करना स्किप किया। प्राइमर को स्किप नहीं किया, प्राइमर की जगह पर मैंने एज अ प्राइमर एलोवेरा जेल को यूज़ किया है, पतंजलि एलोवेरा जेल को मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले बॉटल को शेक करेंगे। विदाउट शेक शेक की वजह कोई भी प्रोडक्ट हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो नीचे बैठे रहते हैं। अब बैक ऑफ हैंड पे मैं इसे लूँगी। यही बात है, अगर पंप पर रहता है या एप्लीकेटर रहता है तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, अदरवाइज इसको निकालने में बड़ा झंझट रहता है। तो इधर मैं हाफ फेस पे लगाऊंगी लैक्मे का फाउंडेशन। और हाफ फेस पे लगाऊंगी ओलिविया। और इसे अच्छे से, ये थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी, अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो थोड़ा रनी और थोड़ा थिन है। ओके, अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी और पूरा अपने फेस पे अच्छे से अब मैं हाफ फेस पे लगाऊंगी ओलिविया। अगर कवरेज की बात करें तो ये मेरा लैक्मे साइड है जिसने मुझे कवरेज, मीडियम कवरेज दिया है।
या मीडियम से भी कम कवरेज इसने मुझे दिया, और इधर साइड देख रही थी ओलिविया का है और इधर कवरेज मुझे मिला हुआ है मीडियम टू फुल कवरेज आई थिंक ओलिविया की साइड मिला हुआ है, और ये मेरा मीडियम कवरेज मिला हुआ है। आपको आई थिंक कैमरा कैप्चर कर रहा है तो समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसे सेट कर लेंगे, या फिर अगर हम चाहें तो इधर साइड लैक्मे के साइड दोबारा एक कोट और कर लेंगे, दोनों में सेम करने के लिए। अदरवाइज ऐसा कुछ खास ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें दिखाना है तो ठीक है। ये मेरा ओलिविया है, ये मेरा लैक्मे है। ओके, तो यहाँ मैं मेरे फाउंडेशन को सेट करने के लिए ले रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का ये वाला कॉम्पैक्ट, जिसमें एक छोटू सा मिरर भी है। और एक बात और, मैंने जितने भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ किया वो पूरी तरीके से बजट फ्रेंडली है, चाहे कॉम्पैक्ट हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैं इसके ही हेल्प से अपने फाउंडेशन को सेट करूँगी। इसको ड्रैग नहीं करना है, इसको भी डैब डैब ही करना है। इधर साइड भी सेम प्रोसेस। और एक इस तरीके के ब्रश की हेल्प से मैं सब कुछ जहां पे एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट हो गया है तो उसे बराबर कर लूंगी। इधर देखिए ना, दोनों साइड में से कौन सा ठीक लग रहा है, ये साइड ग्लो नहीं करता है, सबका जैसे करता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद। सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मुझे यहाँ पे आई थिंक 1 से 1.5 घंटा हो गया इस मेकअप को वेयर किए हुए, तो मुझे ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं लगा मेकअप के साथ। तो ये मेरा है लैक्मे का साइड, ये मेरा है ओलिविया का साइड। तो क्रीज तो कहीं से भी नहीं हुआ, ना लैक्मे वाला ही क्रीज हुआ है ना ओलिविया वाला ही क्रीज हुआ है। बट अच्छा मुझे ओलिविया लग रहा है, बट अगर बात करूँ ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड होने का तो आई थिंक लैक्मे वाला ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड हुआ है, ओलिविया वाला थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं, क्योंकि ओलिविया थोड़ा थिक है। ओलिविया फाउंडेशन लैक्मे के कंपेयर में थोड़ा थिक है, इसलिए ये ना अच्छे से स्प्रेड नहीं हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है। और थोड़ा सा मुझे अभी से ऐसा फील हो रहा है ना कि क्रीज हो रहा है, कहीं कहीं से ब्रेक डाउन हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो टचअप की ज़रूरत आई थिंक दोनों को हो गई है, पर इधर वाले साइड को आई थिंक ज़्यादा हुई है। कवरेज की बात, ये वाला साइड ज़्यादा कवरेज दिया कंपेयर दिस लैक्मे साइड फाउंडेशन। सो दैट्स इट टुडेज़ वीडियो गाइस। होप सो गाइस आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल जो ये वीडियो से लाइक करें और कमेंट डाउन करके ज़रूर से बताएं आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ मेरे इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।